ब्रजेश पांडे हूँ और अभी JNUTF जो हमने अभी नया संगठन हमारा अभी बना है उसका एक तरह से प्रभार देख रहा हूँ। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या वजह क्या है? हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का माहौल सामान्य स्थिति में आए। जो पठन पाठन बंद है या परीक्षाओं का बहिष्कार करने की बात हो रही है तो परीक्षाएं सुचारू चलें और छात्रों का हित सबसे आगे रख करके हम आगे बढ़ें, हम इसी के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आप कितने लोग हैं, मतलब कैंपस की बात करें तो लगभग कितने प्रोफेसर आप लोगों के साथ हैं? हम लोग करीब 150 लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि प्रोफेसर। हाँ, 150 प्रोफेसर्स जो परीक्षाएं सुचारू हों, समय से हों और छात्रों के करियर पर कोई असर नहीं पड़े। जो हम छात्र हैं वो क्या चाहते हैं? देखिए, आम छात्र परीक्षा देना चाहता है, फी हाइक एक अपना मुद्दा है, वो अपनी जगह है। हम भी चाहते हैं कि सबके लिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, लेकिन उससे अकादमिक गतिविधियों में व्यवधान नहीं होना चाहिए। और जो तरीका अपनाया गया है, हम शुरू से ही पहले भी हम कह चुके हैं कि हम उसके विरोध में हैं। शिक्षकों पर अटैक हुए थे, जो प्रशासनिक भवन है उसको बदरंग बना दिया गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से सबको अपनी बात कहने का हक है और हम छात्रों के जो मूलभूत अधिकार हैं उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो सबके लिए सुलभ शिक्षा मुहैया कराए। जो आज आप लोग धरना दे रहे हैं तो इसको किसी के खिलाफ कहा जाए या फिर एक मैसेज है? नहीं नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल ये मैसेज देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का माहौल सकारात्मक बने, यहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ हों और परीक्षाएँ सुचारू और समय से चलें। और जो लोग चाहते हैं एग्जाम नहीं हो, एग्जाम को बायकॉट के बारे में? नहीं, एग्जाम बायकॉट करने के हम विरोधी हैं। जो अकादमिक गतिविधियां उससे अवरुद्ध होती हैं और उससे छात्रों के हित प्रभावित होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि छात्रों के हित प्रभावित हों। वो परीक्षाएं दें और आगे के सेमेस्टर में वो सुचारू रूप से जाएं, ये हमारा मंतव्य है।